hello children in last video we finished our measurement of weight and in this video i will teach you about measurement of volume and capacity so if you want to measure capacity of any container what is the capacity of one bottle so we need some uh, we need some uh, unit proper unit so when we measure liquid things like milk oil petrol we use unit liter you know when we uh, we are buying the uh, our milk packet there is a unit there is a quantity written in liters or if we uh, if we take the 1 liter 1 liter of big packet of milk that is of 1 liter if we take a small packet of milk that is of half liter so the unit of liquid things measuring unit of liquid thing is liter if a liquid less than 1 liter it is measured in milliliters okay if the लिक्विड इज लेस देन वन लीटर देन इट इज मेजर्ड इन मिलीलीटर सो व्हाट इज लीटर एंड व्हाट इज मिलीलीटर लीटर इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग लिक्विड थिंग्स इफ वी टेक बिग क्वांटिटी ऑफ लिक्विड देन वी यूज लीटर इफ वी टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड थिंग्स देन वी मेजर इट इन मिली लीटर तो बच्चों आपको मालूम है कि जिस प्रकार से हमने मीटर सेंटीमीटर सीखा उसी प्रकार से यहाँ लीटर मिलीलीटर है तो वन लीटर इक्वल्स थाउजेंड मिलीलीटर। वन लीटर इक्वल्स थाउजेंड मिलीलीटर। सो मिलीलीटर इज स्मॉल लाइक अ मिली लाइक अ मिलीमीटर जैसे हमने देखा था कि सेंटीमीटर को हम इतना स्पेस लेते हैं यहां से यहां तक अगर हमने स्पेस लिया तो ये हमने देखा था उसमें टेन लाइन्स जो रहती है मिलीमीटर मिली की और इतना सा जो उसमें हमको स्पेस दिखता है यहां वन लिखा रहता है वो सेंटीमीटर तो मिलीलीटर क्या स्मॉल है जब हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी का कोई न, सामान है तो हम उसको मिलीलीटर में मेजर करेंगे और बड़ा क्वांटिटी में है तो हम उसको लीटर में काउंट करेंगे एंड ऑलवेज वी आर मेजरिंग लिक्विड थिंग्स इन लीटर्स एंड मिली लीटर सी यर इज अ वन पैकेट ऑफ मिल्क दिस इज दिन मिल्क ओके एंड इट्स क्वांटिटी इज 500 एम एल एम एल मीन्स मिली लीटर ऑलवेज द मिल्क इज मेजर्ड इन लीटर और मिली लीटर and this is the bottle bottle of parachute oil and oil is also liquid so it is also measured in liters or milliliters and it is less than 1 liter so it is 250 ml ml means 250 milliliters it is quarter liter always we are measuring liquid things in milliliter or liter okay एंड दिस इज द बॉटल बॉटल ऑफ वॉटर इट इज ऑफ इट्स क्वांटिटी इज वन लीटर दिस बॉटल इज ऑफ वन लीटर वॉटर इसमें एक लीटर का पानी आता है ये जो बॉटल है एक लीटर पानी आने वाला बॉटल है तो हम किसी भी लिक्विड थिंग को हम कैसे मेजर करते हैं हम लिक्विड थिंग्स को इसमें थोड़ा पानी गिर गया इसे में हटा देती हूं ओके okay. तो हम लिक्विड थिंग्स को मेजर करने के लिए लीटर और मिलीलीटर का उपयोग करते हैं सो व्हाट इज द लीटर वन लीटर इक्वल्स थाउजेंड मिलीलीटर। सो इफ द हाफ लीटर व्हाट इज द हाफ लीटर हाफ लीटर मीन्स वन ऑफ टू लीटर Half liter equals half of this is uh, half of one. So this is also half of thousand. Half of thousand is 500 milliliter. Okay. So half liter equals 500 milliliter and uh, quarter liter. क्वार्टर लीटर मीन्स वन अपॉइंट फोर लीटर क्वार्टर लीटर इक्वल्स वॉट क्वार्टर लीटर मीन्स हाफ ऑफ हाफ इसका आधा जब हम करेंगे हाफ का आधा तो क्वार्टर होगा तो हमको ये हाफ मिली लीटर का भी हाफ करेंगे तो फाइव हंड्रेड का हाफ जब हम करेंगे हाफ ऑफ फाइव हंड्रेड इज टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिली लीटर Okay, and what is three quarter liter? What is three quarter liter? Three quarter liter means uh, three upon four, three upon four liter. Okay. We can say से थ्री अपॉइंट फोर लीटर और can से थ्री क्वार्टर लीटर थ्री क्वार्टर लीटर मीन्स हिंदी में हम उसको बोलेंगे पॉन लीटर तो क्या होगा पॉन लीटर जब हम हाफ लीटर और क्वार्टर uh, लीटर को मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा थ्री क्वार्टर लीटर बिकॉज इन द हाफ लीटर दे आर आर टू क्वार्टर इन द हाफ लीटर दे आर आर टू क्वार्टर एंड दिस वन मोर क्वार्टर दैट मीन्स इट quarters. आर थ्री क्वार्टर सो थ्री क्वार्टर लीटर को यहाँ भी हम मिलाएंगे ये दो क्वार्टर लीटर है हाफ लीटर में और ये वन क्वार्टर लीटर है तो थ्री क्वार्टर लीटर होगा तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमको मिलेगा थ्री क्वार्टर लीटर जीरो एंड जीरो इज जीरो जीरो एंड फाइव इज फाइव फाइव एंड टू इज सेवन सो सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिली लीटर ओके थ्री क्वार्टर लीटर मीन्स 750 milliliters so again we will uh, see this 1 liter equals 1000 milliliter half liter means 500 milliliter quarter liter means 250 milliliter three quarter liter means 750 milliliters now we will see the question about this well, liter and milliliter these are the measures these are the measures of liter milliliter. if you want to measure milk of 1 liters for the 1 liter this is the measure and if you want to measure half liter then there is measure measure is 500 ml यदि आप आधा लीटर का दूध या ऑयल को मेजर करना चाहते हैं तो इस प्रकार का नाप आपको मिलता है उसमें लिखा रहता है 500 ml और उसमें हम 500 ml का माप कर सकते हैं ये है टू हंड्रेड एम एल वेन वी वॉन्ट टू टेक ओनली क्वार्टर लीटर ऑफ मिल्क देन वी विल ऑफ दिस टू हंड्रेड एम एल एंड वन मेजर ऑफ फिफ्टी एम एल जब हम टू हंड्रेड और फिफ्टी एम एल का एक एक मेजर ले लेंगे तो वी विल टेक क्वार्टर लीटर ऑफ मिल्क एंड दिस इज द मेजर ऑफ हंड्रेड एम एल इस प्रकार के नाप आते हैं हमको दूध गिनने के लिए ऑयल गिनने के लिए तेल गिनने के लिए हमको इस प्रकार के मेजर्स मिलते हैं मार्केट में देखिए आप देख सकते हो कि दूध वाला जब दूध लाता है तो इस प्रकार का नाप लेकर वो आता है या आप कभी ग्रोसरी uh, शॉप में इफ यू आर गोइंग देन देयर इज ऑल्सो दिस टाइप ऑफ मेजर्स आर यूजिंग इस प्रकार का मेजर वहां भी यूज में आता है ओके सो हियर इज सम क्वेश्चंस Okay, so we will solve these questions. Okay, exercise. Fill in the blanks. One liter equals thousand milliliters. Huh? So, second one is two liter equals one. Li in one liter there is thousand milliliter. So, in two liter, how much milliliters will be there? so 2 liter equals 2 multiplied by 1000 equals 2000 milliliters and he is asking here 4 liter equals how much milliliters in 1 liter 1000 so in 4 liter 4000 milliliters and here 15 liter equals how much milliliters this is the box empty box for you so in 4 liter 4000 milliliters so in 15 liters 15000 milliliters these are 15000 when there is thousand there will be three zeros okay question number 2 how many milliliters are there in 3 and 3 quarter liters थ्री एंड थ्री क्वार्टर लीटर थ्री एंड थ्री क्वार्टर लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे सो इन थ्री लीटर थ्री थाउजेंड मिली लीटर एंड थ्री क्वार्टर लीटर्स तो थ्री क्वार्टर्स में मैंने आपको बताया था कि सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिली लीटर्स सो वी विल एड दिस सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिली लीटर्स सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिली लीटर इन थ्री एंड थ्री क्वार्टर लीटर्स ओके तो थ्री लीटर के थ्री थाउजेंड एंड थ्री क्वार्टर लीटर के सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिली लीटर सो यू एट दिस कंप्लीट वन देन यू विल गेट द आंसर थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिली लीटर्स सो एडिशन वर्क यू विल डू आपको एडिशन का काम खुद करना है ओके How many millilitres are there in one and half litre? In one litre, one and half means one plus half litre. Okay, so in one litre, thousand ml. Thousand millilitre. Millilitre ka short form ml and litre ka short form l. So here it is given see liter is written as l and milliliter is written as ml so uh, all the time we will not write milliliter we can write ml and all the time we will not write liter we can write only l so in 1 liter 1000 ml and in half liter 500 ml so add both this so what will be your answer 1000 plus ml here it is also ml so what is your answer 1000 plus 500 equals 1500 ml okay how many milliliters are there in one and quarter liter so in 1 liter 1000 Milliliter. Okay. And quarter liter. So you will add quarter liter means 250 ml. Okay. So what will be your answer? Your answer will be 1250 ml. Okay. Can you see this? Yes. Now you can see. क्वेश्चन नंबर फाइव विच मेजर्स विल बी यूज टू पोर थ्री एंड हाफ लीटर्स ऑफ मिल्क एंड हाउ मेनी टाइम्स विल दे बी यूज इफ यू वॉन्ट टू टेक थ्री एंड हाफ लीटर ऑफ मिल्क इफ यू वॉन्ट टू टेक यदि हमें थ्री एंड हाफ लीटर का मिल्क लेना है तो हमें कौन सा वाला इसमें से नाप लेना पड़ेगा और वो बोल रहा है वो नाप आप, आप कितने बार लेंगे हाउ मेनी टाइम्स विल दे बी यूज तो आपको लेना है थ्री एंड हाफ लीटर तो आपको ये वन लीटर वाला मेजर लेना पड़ेगा थ्री टाइम्स मेजर ऑफ वन लीटर मेजर ऑफ वन लीटर थ्री टाइम्स कितना टाइम्स Three times. Measure of one liter, three times and half liter, na? three and half liter. Measure of five hundred ml, one time. And measure of five hundred ml for one time. For one time. ओके राइट हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग मेजर विल हैव टू बी यूज टू फिल अ वन लीटर मेजर यदि आपको वन लीटर का मेजर बनाना है वन लीटर का माप भरना है या किसी को वन लीटर देना है बट यू हैव टू हंड्रेड एम एल आपके पास ये वाला नाप है इफ यू हैव द मेजर ऑफ टू हंड्रेड एम एल देन हाउ मेनी टाइम्स विल यू मेजर यूर दिस टू हंड्रेड एम एल मेजर आपको कितने बार देना पड़ेगा यदि आपको वन लीटर बनाना है आपको वन लीटर का मिल्क देना है सपोज और आपके पास टू हंड्रेड एम एल वाला है तो आपको कितने बार देना पड़ेगा फाइव टाइम्स हाउ क्या आप टू का टेबल यूफ यू फ्यू? काउंट द टेबल ऑफ टू यू कैन मेक द टेबल ऑफ टू हंड्रेड लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था तो टू का टेबल ऑफ फाइव टाइम्स बोलेंगे तो टू वन जा टू 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 झा फोर टू थ्री झा सिक्स टू फोर झा एट एंड टू फाइव जा टेन और टू में लगाएंगे आप टू जीरो तो टेन में भी लगाएंगे आप टू जीरोन टू जीरो इन फ्रंट ऑफ टेन दट इज थाउजेंड सो थाउजेंड विल मेक बाय टू हंड्रेड एम एल फॉर फाइव टाइम्स फाइव टाइम्स जब आप लेंगे ये मेजर को तो आपका बन जाएगा कितना थाउजेंड एमएल okay? तो वन लीटर मीन्स थाउजेंड मिली लीटर नाउ यू हैव द मेजर ऑफ दिस स्मॉल क्वांटिटी फिफ्टी एम एल यदि आपके पास फिफ्टी एम एल का फिफ्टी मिली लीटर का आपके पास मेजर है और आपको बनाना है थाउजेंड मिली लीटर देन हाउ मेनी टाइम्स विल यू मेजर द धिस मेजर हाउ मेनी टाइम्स विल यू मेजर कितने बार आप इसको गिनेंगे कितने बार आप इसको देंगे तब आपका थाउजेंड बनेगा सो वट विल यू डू यू डिवाइड योर थाउजेंड बाय फिफ्टी ओके सो वी विल डू धिस यिस थाउजेंड इज डिवाइडेड बाय फिफ्टी ओके, सो फिफ्टी वन झा फिफ्टी एंड फिफ्टी टू झा हंड्रेड फाइव वन सा फाइव फाइव टू टेन और फिफ्टी का टेबल बनाना है तो आपको क्या करना है इधर ये फाइव का टेबल लिखो फाइव वन सा फाइव फाइव टू झा टेन फाइव थ्री फिफ्टीन एंड यू कैन मेक द टेबल ऑफ फिफ्टी ऑल्सो ओनली यू राइट द जीरो ईयर देन इट विल इट वॉज द इट विल बी द टेबल ऑफ 50 ये देखो 50 का टेबल बन जाएगा 5 के सामने जीरो लिखो इसके सामने जीरो डालो इसके सामने जीरो डालो ये टेबल हो गया फिफ्टी वन 50 फिफ्टी टू जंड्रेड फिफ्टी थ्री जन फिफ्टी सो वी विल डिवाइड इट फॉर टू टाइम्स फिफ्टी वन झा फिफ्टी फिफ्टी टू जंड्रेड सो जीरो माइनस जीरो इज जीरो जीरो माइनस जीरो इज जीरो माइनस वन इज जीरोन वी विल टेक दिस जीरो To the downside and when we divide this zero we will get the answer 0 because zero is divided by any number we will get zero so our answer is twenty okay so what is our question um, will he, um, how many right how many times the following measure will have? वन लीटर मेजर यदि आपको वन लीटर बनाना है फिफ्टी एम एल से तो हाउ मेनी टाइम्स विल यू यूज टू फील दैट तो अपना क्या आंसर आया ट्वेंटी और आपको एक सिंपल मेथड भी बताती हूँ कि फिफ्टी एम एल का यदि आपके पास मेजरमेंट है माप है और आपको कितना मेजर लेना है तो फिफ्टी एंड फिफ्टी कितना होता है हंड्रेड हंड्रेड एम एल का अगर आपके पास हंड्रेड एम बनता है फिफ्टी और फिफ्टी से तो टू फिफ्टी से आपका हंड्रेड एम बन रहा है और हंड्रेड के आपको कितने मेजर लगेंगे थाउजेंड के लिए टेन और फिफ्टी का है तो उसके डबल क्योंकि हंड्रेड उसके दो माप से बनता है तो हंड्रेड के अगर टेन लगते हैं तो फिफ्टी वाला है तो आपको ट्वेंटी लगेगा ऐसा भी आप समझ सकते हो इफ यू हैव द मेजर ऑफ हंड्रेड एम एल देन हाउ मेनी टाइम्स विल यू यूज दैट मेजर फॉर फीलिंग वन लीटर तो हंड्रेड एम से आपको थाउजेंड बनाना है तो इट इज वेरी सिंपल हंड्रेड टू हंड्रेड हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड एंड टेन हंड्रेड मीन्स थाउजेंड सो टेन टाइम्स फाइव इफ यू हैव द मेजर ऑफ फाइव हंड्रेड एमएल यदि आपके पास सी वाला मेजर है फाइव हंड्रेड एम का तो आपको कितने बार लेना पड़ेगा इसको वन लीटर बनाने के लिए वन लीटर में थाउजेंड uh, एमएल तो टू टाइम्स फाइव हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड थाउजेंड एमएल सो वी विल टेक इट टू टाइम्स ओके सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इफ यू यू Get the question of this type of uh, question in your exam or anywhere, then you can solve this type of question liter or milliliter question. Okay, so uh, you write this exercise in your copy and solve this question. दिस क्वेश्चन आई आई टोल्ड यू हाउ टू सोल्व ये मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे करना है पर आप जब आपकी कॉपी में करोगे तो ये क्वेश्चन लिखने के बाद इसका जो आंसर है वो नीचे लिखोगे कि कैसे आपको मतलब थ्री लीटर uh, और थ्री क्वार्टर लीटर्स को आप लिखना थ्री प्लस थ्री क्वार्टर्स एंड देन यू राइट थ्री क्वार्टर इक्वल्स थ्री थाउजेंड एंड थ्री क्वार्टर मीन्स सेवन फिफ्टी एम एल देन यू एड एंड यू टेक यू राइट योर आंसर ओके यू विल गेट द आंसर तो आपको पूरा पूरा आंसर लिखना है मैंने आपको शॉर्ट में समझा के यहां दिया था पर आप पूरा आंसर लिखेंगे उसी प्रकार से सेकेंड वाला भी करेंगे और ये पूरा लिख के आप फिनिश करेंगे सो आई थिंक यू अंडरस्टूड अबाउट लीटर्स एंड मिली लीटर्स थैंक यू